जय हिंद दोस्तों। झारखंड होम गार्ड भर्ती को लेकर एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है दोस्तों। यहां पर देख सकते हैं होम गार्ड की बहाली में नियमावली की अनदेखी। दोस्तों क्या अनदेखी किया गया है बहाली में, भर्ती में, तो दोस्तों इसमें हम जानने वाले हैं। अगर आप भी झारखंड के किसी भी जिले से आते हैं तो दोस्तों यह खबर आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों इसे हम ओपन करते हैं और सभी जानकारी को बारीकी से समझते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यह कल का खबर है और दोस्तों यहां पर सारी डिटेल दिया गया है, जो कि दोस्तों यह धनबाद न्यूज द्वारा यहां पर खबर आ रहा है। होम गार्ड की रिक्तियों में नियमावली की अनदेखी की गई है। नई बहाली के लिए रिक्तियां तैयार करने में 2014 नियमावली पर ध्यान नहीं दिया गया है। यानी दोस्तों जो धनबाद में अभी भर्ती निकाला गया है 1478 पोस्ट के लिए, उसमें 2014 नियमावली पर ध्यान नहीं दिया गया है। झारखंड होम गार्ड वेलफेयर ने नई बहाली पर सवाल उठाते हुए प्रखंड वार पहले से तैनात जवानों की सूची के आधार पर नई रिक्तियां निकालने की मांग की है। 2014 नियमावली का हवाला देते हुए बताया कि प्रत्येक प्रखंड में 110 जवान को रखने का प्रावधान किया गया है। भले ही इन नई बहाली की रिक्तियों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, लेकिन तैनात पुराने जवानों और नई बहाली के बाद कुल जवानों की संख्या में महिला और पुरुष दोनों के बीच भारी अंतर आएगा, क्योंकि प्रखंड में पहले से ही पुरुष जवान की संख्या अत्यधिक है। कई प्रखंड में तो महिलाओं की संख्या शून्य हो गई है। इस बार 10 प्रखंड नगर निगम एवं नगर परिषद क्षेत्र में बहाली निकाली गई है। एनआईसी के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा। अंतिम 17 मार्च तक दोस्तों आपको इसमें डेट है। यह दोस्तों धनबाद जो में भर्ती हो रहा है उसके बारे में बताया गया है और यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि अभी काफी होमगार्ड के जवान है जो कि यहाँ पर अभी भर्ती हो रहा है, तो दोस्तों भर्ती कैंसिल भी हो सकता है। इस प्रकार के जब सवाल उठने लगते हैं तो दोस्तों भर्ती भी कैंसिल हो जाता है। और दोस्तों झारखंड का यह नियम हो गया है कि भर्ती निकलता है और अभ्यर्थी को आपको कैंडिडेट को परेशान किया जाता है, फिर भर्ती को आपको रद्द कर दिया जाता है। आप लोग के दोस्तों इस सब झेल चुके हैं। एक बार फिर से वर्ष 2014 के नियमावली के अनदेखी की गई है। उन्होंने नियमावली में पेज में प्रूफ में ही बहाली रद्द हुई थी। दोस्तों जो बोल रहे थे वह यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा गया है और अभ्यर्थी के भविष्य में खिलवाड़ किया गया है। लापरवाही का नतीजा है कि वर्ष 2009-10 के बाद धनबाद में बहाली नहीं हुई है। नए सिरे से सभी पक्षों को समझाकर सरकार फिर से रिक्तियां निकाली है। यानी दोस्तों यहां पर बहुत बड़ा गलत हो रहा है अभ्यर्थियों के साथ, क्योंकि यहां पर आवेदन बार बार मांगा जाता है और बार बार दोस्तों आपको भर्ती कैंसिल किया जा रहा है। यानी दोस्तों अभ्यर्थी का जो जिंदगी है, जो लाइफ है, उसे बर्बाद किया जा रहा है। तो इस पर सरकार के दोस्तों हम क्या कहें, क्योंकि सरकार के ही मिली भगत है। इस पर दोस्तों आपको हाई कोर्ट और आपको सिविल कोर्ट के इस पर संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो अभ्यर्थी का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। तो दोस्तों यह खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।